आपके सीट की घोषणा नहीं हुई है ये सिल्ली में, चाहते हैं कि झारखंड की कोई और पार्टी आपको समर्थन दे, क्या आप चाहते हैं? थोड़ा सा एक तस्वीर देखिए, ये लकड़ी है और हम चाहेंगे सहयोगी से दिखाइए, ये देखिए, ये है देवेंद्रनाथ महतो, इसी का नाम है देवेंद्रनाथ महतो। इनके आगे टाइगर क्यों नहीं लगा, ये मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है। जिस तरह से आंदोलन में लाठी डंडा खाते हैं, जेल जाते हैं, पूरा जो है अपने आप को समर्पित कर दिए, कि लाठी खाने के लिए समर्पित कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि इतने सादगी से रहने वाले आदमी और एकदम टाइगर की तरह ये भी ये करते हैं, तो इनके आगे क्रांतिकारी क्यों नहीं लगा, इनके आगे टाइगर क्यों नहीं? हार झारखंड प्रदेश के नवनिर्मित पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हैं, उन्होंने आज घोषणा किए हैं कि 5 सीट की घोषणा किए। कौन कौन सा सीट है सीधे तौर पर हम बात करेंगे। मेरे साथ JLKM के ही वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्रनाथ महतो जी। सबसे पहले दादा जोहार आपका। जोहार आपके तमाम दर्शकों को। मतलब आप जो है लकड़ी उकड़ी कहीं बैठ जाते हैं? जी, हम लोग का नेचर है, स्वभाव है जंगल झाड़, झारखंड प्रदेश ही है, तो इसी सब में बड़े हुए हैं, तो यही सब में अच्छा लगता है। वही तो देख रहे हैं कि आप यहाँ आज जो है 5 सीटों पे आप घोषणा किए हैं। जी बिल्कुल, आज नवरात्रा का पहला दिन है, सर्वप्रथम नवरात्रा का समस्त झारखंड वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 6 सीटों का घोषणा हुआ है। कौन कौन सा? और जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया है, जिसमें से ये 5 प्रमंडल से आ रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2 सीट, डुमरी और जमुआ, जो दोनों गिरिडीह जिला से आता है, जिसमें डुमरी से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी, आपका जमिया से जो हमारे संगठन के शुरुआत के साथी जो हमारा रोहित कुमार दास जी, आपका हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची जिला के तमाड़ सीट से जो आरक्षित सीट है, ST रिजर्व सीट, उसमें दमयंती मुंडा जी, आपका पलामू प्रमंडल के पलामू जिला के आपका प्रीति राज जी, आपका कोल्हान प्रमंडल के आपका सरायकेला खरसवा जिला के सरायकेला सीट से प्रेम मार्टी जी, इस तरीके से जो है कि हम लोग का और हम लोग का 1 सीट और ये राजमहल संथाल परगना का, वहाँ से मोतीलाल सरकार जी, ये राजमहल, हाँ, ये 6 सीटों का ऑफिशियल जारी हो गया है। हम तमाम प्रत्याशियों को अग्रिम बधाई देते हैं और 6 विधानसभा के सभी मतदाता, सम्मानित मतदाता से हम अपील करते हैं कि इस बार झारखंड के नीति नियमावली के लिए, झारखंड के हित के लिए, यहाँ झारखंड का भविष्य को बचाने के लिए हमारे तमाम प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करें। आपके सीट की घोषणा नहीं हुई है ये सिल्ली में? जी, अभी सेकंड सुनने में आ रहा था कि सबसे पहले तो देवेंद्र महतो ही आ गया। नहीं तो सेकंड लिस्ट आएगा, अभी धैर्य रखिए, यही नवरात्रा के अंदर अंतर्गत ही बाकी सीटों का भी घोषणा होना है। ऐसा कुछ है नोटिफिकेशन? हाँ, हम लोग का बात हो रहा है कि ये नवरात्रा के अंतर्गत ही आपको सब समाचार मिल जाएगा। जयराम महतो अभी जो है आपके केंद्रीय अध्यक्ष, अभी डुमरी विधानसभा से भी है, कोई और सीट लेने की से लड़ेंगे वो? जी, एक और सीट से उनका चर्चा है, लग रहा है मंडू जी चर्चा में है, बाकी आपको ऑफिशियल रूप से आपको जानकारी दे दिया जाएगा बहुत जल्द। मेरा तो जन्मभूमि कर्मभूमि सिल्ली है, और सिल्ली ठीक है, एक ही जगह ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, तैयारी भी अच्छा है। कितने सीटों पर लड़ने की, चुनाव लड़ने की संभावना है पूरे प्रदेश? देखिए 70 सीट में तो फाइनल है, लेकिन अभी लगातार जो हम लोग का सूचना आ रहा है और जयराम जी के संबोधन में भी इस चीज को बार बार बता रहे हैं कि हम लोग का शायद अभी कुछ दिनों के अंदर और अच्छे अच्छे प्रत्याशी आएंगे, जहां संगठन मजबूत नहीं है, जो ऑलरेडी अपने लोकल क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वैसे प्रत्याशी आएंगे, तो हम लोग पूरा 81 सीट में भी जा सकते हैं। कुछ दिन पहले गिरिडीह में आपकी सभा थी, वो गांडे के बीच में, गांडे क्षेत्र पड़ता है उधर। हाँ, तो क्या लगता है गांडे में भी प्रत्याशी दे रहे हैं? जी, गांडे सब में तो निश्चित है, उसमें तो कंफर्म है, वहाँ प्रत्याशी रहेगा, बहुत रोमांचक मुकाबला होगा,
और जोरदार तरीके से हम लोग वहाँ चुनाव को लड़ेंगे, वहाँ जोरदार होगा पूरे झारखंड के से तमाम सीटों पे हम लोग जोरदार तरीके से उपस्थित होंगे, क्योंकि हम लोग का राजनीतिक में आना ही एक बहुत बड़ा घटना है। क्योंकि हम अभी तक जितना आंदोलन किए, धारा लिए हैं, एफआईआर लिए हैं या जेल गए हैं, चाहे वो दौर विधानसभा का हो, झारखंड बंदी का हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव का हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र के दौरान की बात हो, बजट सत्र के दौरान की बात हो, मतलब किसी भी सत्र के दौरान की बात हो, हमेशा हम लोग ने इस बात को बहुत दम खम के साथ बोले थे कि हम लोग चुनाव का मंशा नहीं है, हम लोग का मांग पूरी की जाए, हम लोग का नीति नियम लागू किया जाए, 60-40 हटाया जाए, नियोजन नीति लागू किया जाए, स्थानीय लोगों को पहचान किया जाए, समय पर परीक्षा का आयोजन करके नौकरी दिया जाए, और जितना भी प्राइवेट में काम करने वाले मजदूरों को उसका मजदूरी दिया जाए, अनुबंध कर्मियों का शोषण मुक्त किया जाए, यहाँ जितना भी तरह का आउटसोर्सिंग है उसको खत्म किया जाए, और झारखंड हित में नीति कानून बनाया जाए, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। अगर ये सब काम नहीं कीजिएगा तो हम ऑन रिकॉर्डेड उस समय ही चेतावनी दिए थे कि इतना दम खम के साथ लड़ेंगे कि पक्ष विपक्ष समेत किसी भी जो वर्तमान विधायक है, कोई भी विधायक इस बार विधानसभा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में आज सुप्रीमो भी है तो क्या दिक्कत है, उधर अमित महतो भी है तो क्या दिक्कत है, अलग अलग पार्टी चला रहे हैं, सब अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जितने कोई का अपना आप नाम ले रहे हैं वे तमाम लोग पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं, और पुराने समय से राजनीति करते हुए उन लोग को मौका भी मिला है, उन लोग को लोग देख भी लिए हैं, और ये जितने भी हमारे सो कॉल्ड आदरणीय है चाहे सीनियर है, वे सभी जब हम लोग सड़क पे लाठी खा रहे थे, पुलिस प्रशासन घिसिया घिसिया के हम लोग को गिरफ्तार कर रहा था, जेल भेज रहा था, लाठी डंडा खा रहे थे, रात भर दौड़ा रहा था, आज जो है कि भूखे प्यासे हम लोग घूम रहे थे, कभी किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं, किसी प्रकार का कोई संवेदना नहीं। दूसरी तरफ जब हम लोग का आंदोलन पीक में था, झारखंड की कोई और पार्टी आपको समर्थन दे, क्या आप चाहते हैं इस बात को? नहीं नहीं, हम लोग को जनता का सपोर्ट की जरूरत है, जनता के समर्थन की जरूरत है, पार्टी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पार्टी सपोर्ट कर रहा है, दिक्कत होता है, पार्टी का सपोर्ट से सपोर्ट कम दबाव ज्यादा मिलता है, हम लोग मानसिक फ्री होकर हम लोग काम करना चाहते हैं, कड़कड़ा के कलम चलाना चाहते हैं सदन के अंदर, जो बात मीडिया के सामने प्रखर से बोल रहे हैं यही बात सदन के अंदर भी बोलना चाहते हैं, और जो उद्देश्य इस राज्य का गठन हुआ है, जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, उसको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए जो बाद में आगे जाकर के दबाव करे, कोई मजबूरी में मजबूरी लाए, ऐसा किसी तरह का हम लोग समर्थन नहीं चाहते हैं, आजाद तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आजाद तरीके से नीति कानून बना करके इस राज्य का गठन का उद्देश्य को पूरा करना, आजाद तरीके से। जयराम महतो जो है आपके केंद्रीय अध्यक्ष, दो सीटों से लड़ेंगे, आप भी जो है जेल कैंप में एक ऐसे लीडर हैं जो सबसे ज्यादा आंदोलनकारी में अगर कहा जाए तो नंबर एक में आप आते हैं, उसके बावजूद भी आप एक सीटों पे काहे? अच्छा एक बात बताइए, ये लोकतंत्र में या तो हम लोग संवैधानिक आधार पर आप एक ही विधायक बन सकते हैं एक ही क्षेत्र से, हमारे आपको पूर्ण भरोसा है कि हम वहां से लीड करेंगे, जनता हमको इतना विश्वास दे चुका है, तो जयराम को क्यों नहीं है? उनको भी है, लेकिन चूंकि वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो दो जगह से लड़ेंगे, तो आसपास के जो प्रत्याशी हैं उनको उनका लाभ मिलेगा, वो अपने लाभ के लिए नहीं, बात का डर है कि प्रत्याशियों का लाभ के लिए। वो पहले कहते थे कि हम जो है सो कोयला नगरी जो है सो वहां से लड़ेंगे, उसके बाद आ गए अपने माटी के पास की अपने जो कोयला नगरी छोड़ के अब आ गए डुमरी में, उसके बाद आप कह रहे हैं मांडू में, तो किस बात की डर है जो कोयला नगरी से नहीं चुनाव लड़ रहे? देखिए बात ऐसा नहीं है, जनता का जो मांग वहां भी तो वहां ज्यादातर आवाज तो वहीं उठाए हैं, जनता की मांग संगठन कर रहा है, सबसे मैंने सहमति से सब चीज हो रहा है। चलिए सहमति से है, बहुत कुछ चीजें हैं, जानेंगे फिर कभी, अभी चुनावी दौर है। थोड़ा सा एक तस्वीर देखिए, ये लकड़ी है और हम चाहेंगे सहयोगी से दिखाइए, ये देखिए ये है देवेंद्र नाथ महतो, इसी का नाम है देवेंद्र नाथ महतो, इनके आगे टाइगर क्यों नहीं लगा, ये मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है, जिस तरह से आंदोलन में लाठी डंडा खाते हैं, जेल जाते हैं, पूरा जो है अपने आप को समर्पित कर दिए, क्या लाठी खाने के लिए समर्पित कर दिए,
तो मैं समझता हूँ कि इतने सादगी से रहने वाले आदमी और एकदम टाइगर की तरह ही भी ये करते हैं, तो इनके आगे क्रांतिकारी क्यों नहीं लगा, इनके आगे टाइगर क्यों नहीं लगा। मैं समझता हूँ आज के बाद आपका नाम जो है ना क्रांतिकारी देवेंद्रनाथ महतो होना चाहिए, और इनका नाम आगे या पीछे है जितने भी जनता जनार्दन है कमेंट में लिखिएगा कि क्रांतिकारी देवेंद्रनाथ महतो होना चाहिए या देवेंद्रनाथ क्रांतिकारी होना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, पंकज को दीजिए इजाजत, जोहार।